टाइप थ्री, अब देखते हैं टाइप थ्री के सेंटेंस। जो शर्त भूतकाल में पूरी नहीं हो सकी, वैसी शर्तें जो भूतकाल में पूरी नहीं हो सकी, वैसी शर्तों को कहते हैं टाइप थ्री के सेंटेंस। यदि भूतकाल में शर्त पूरी नहीं हुई हो, अर्थात संभावना बनकर ही रह गई हो, तो इफ वाला टुकड़ा को पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वी थ्री में तथा प्रिंसिपल क्लॉज दूसरे टुकड़े को वुड हैव प्लस वी थ्री या कुड हैव प्लस वी थ्री या माइट हैव प्लस वी थ्री से शुरू किया जाता है। यदि भूतकाल में शर्त पूरी नहीं हुई हो, अर्थात संभावना बनकर ही रह गई हो, तो इफ वाला टुकड़ा को पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वी थ्री में तथा प्रिंसिपल क्लॉज यानी दूसरे टुकड़े को वुड हैव प्लस वी थ्री या कुड हैव प्लस वी थ्री या माइट हैव प्लस वी थ्री से शुरू किया जा सकता है। देखिए, इफ ही हैड रीच्ड इन टाइम ही वुड या कुड या माइट हैव गॉट ए प्राइज, अगर वह समय पर पहुंचता तो उसे एक प्राइज मिलता। या एक ऐसी शर्त है जो पूरी नहीं हो सकी, यानी कहने का अर्थ है कि वह टाइम पर नहीं पहुंचा इसीलिए उसे प्राइज नहीं मिला। तो ऐसे सेंटेंसेज को कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? इफ ही हैड रीच्ड इन टाइम, देखिए इफ वाला टुकड़ा को पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वी थ्री के साथ है। इफ ही हैड रीच्ड इन टाइम ही वुड हैव गॉट ए प्राइज। और सेकेंड वाला जो सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लॉज जो है, वह आपको उसमें वुड या कुड या माइट हैव का यूज किया जाता है, उसमें वुड हैव या कुड हैव या माइट हैव का यूज किया जाता है। और वर्ब जो है वह थर्ड फॉर्म में ही होता है। कहने का अर्थ हुआ कि सेकंड दोनों सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज दोनों टुकड़ों में आपका वर्ब जो है वह तीसरा फॉर्म में ही रहता है। अंतर यह है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ वाला टुकड़ा जो है वह जो है हैड प्लस वी थ्री रहता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज जो रहता है वह आपका वुड हैव प्लस वी थ्री या कुड हैव प्लस वी थ्री या माइट हैव प्लस वी थ्री रहता है। जैसे कि देख सकते हैं, इफ ही हैड रीच्ड इन टाइम ही वुड हैव गॉट ए प्राइज, या कहिए इफ ही हैड रीच्ड इन टाइम ही कुड हैव गॉट अ प्राइज, या कहिए इफ ही हैड रीच्ड इन टाइम ही माइट हैव गॉट अ प्राइज। बी, इफ यू हैड गॉन टू कलकत्ता यू कुड हैव सीन मेट्रो रेल, अगर आप कलकत्ता जाते तो आप पाताल रेल देखते। जैसे किसी को कहते हैं कि तुम कलकत्ता गया ही नहीं तो क्या देखेगा मेट्रो रेल, उसको कैसे कहते हैं इंग्लिश में? इफ यू हैड गॉन टू कलकत्ता यू कुड हैव सीन मेट्रो रेल, अगर आप कलकत्ता जाते तो आप पाताल रेल देखते। फर्स्ट जो सेंटेंस आप जो देख रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, वहां आप देख रहे हैं इफ से बना हुआ है और उसमें हैड प्लस वी थ्री है, वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में है। और जो प्रिंसिपल क्लॉज है सेकंड वाला सेंटेंस है, उसमें आप देख रहे हैं कुड हैव प्लस वर्ब जो है वह थर्ड फॉर्म में है। If we had reached him earlier, we might have saved his life. अगर हम लोग उनके पास पहले पहुँचते तो उन्हें बचा भी सकते थे। If we had reached him earlier, we might have saved his life. कोई आदमी कहीं मर रहा है और हम लोग वहाँ देर से पहुँचे तो क्या कहते हैं? If we had reached him earlier, we might have saved his life. अगर हम लोग उनके पास पहले पहुँचते तो उन्हें बचा भी सकते थे। यह सेंटेंस जो है थोड़ा नम्र पूर्वक वाले सेंटेंस हैं, तो यहां माइट हैव का यूज किया गया। इन सेंटेंसेज को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं और इस सेंटेंस को भी सबऑर्डिनेट क्लॉज को बाद में और प्रिंसिपल क्लॉज को पहले करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही वुड हैव गॉट अ प्राइज इफ ही हैड रीच्ड इन टाइम, यू कुड हैव सीन मेट्रो रेल इफ यू हैड गॉन टू कलकत्ता। ऊपर के सेंटेंसेज ए बी तथा सी में इफ को छुपाकर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये जो सेंटेंस हैं इन सेंटेंसेज में हम लोग इफ छुपा करके भी लिख सकते हैं। देखिए, हैड ही रीच्ड इन टाइम ही वुड हैव गॉट अ प्राइज। देखिए, हैड ही रीच्ड इन टाइम क्या था? इफ लगा हुआ था, जो इफ को हटा दिए और बोलते हैं हैड ही रीच्ड इन टाइम ही वुड हैव गॉट अ प्राइज।
Had you gone to Calcutta, you could have seen metro rail. Had we reached him earlier, we might have saved his life. If the documents had been in order, we could have left at once. अर्थात अगर डॉक्यूमेंट ठीक ठाक रहता तो हम लोग तुरंत चले होते. बी का पास्ट पार्टिसिपल वी थ्री बीन होता है. बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, बी डबल ई एन. याद रखें कि कोई भी वी थ्री का प्रयोग सिर्फ दो ही जगह हो सकता है, हैव, हैज और हैड के बाद, और दूसरा पैसिव वॉइस बनाने में टू बी वर्ब के बाद. या याद रखिए कि वर्ब जो थर्ड फॉर्म में होता है, पास्ट पार्टिसिपल में होता है, इसका प्रयोग सिर्फ दो ही जगह होता है, पहला तो हैज, हैव या हैड के बाद, और दूसरा पैसिव वॉइस बनाने में वर्ब टू बी के बाद. हैव, हैज और हैड के बाद या टू बी वर्ब के बाद सिर्फ वी थ्री अर्थात वर्ब का तीसरा रूप ही आ सकता है, वी वन या दूसरा वी टू रूप नहीं. हैव, हैज और हैड के बाद वर्ब टू बी के बाद सिर्फ वी थ्री रूप वर्ब का तीसरा रूप ही आता है, वी वन या वी टू रूप नहीं. जैसे ही हैज कॉट द बॉल या द रैट वॉज किल्ड. हम जानते हैं कि कैच तथा किल का दूसरा और तीसरा रूप एक ही है, कैच काउट काउट, किल किल्ड किल्ड. लेकिन हम निश्चित हैं कि यहां वर्ब का तीसरा रूप ही लगा हुआ है, क्योंकि जैसा कि ऊपर बताया गया है, हैज या वाज के बाद हमेशा भीतरी ही आएगा. लेकिन हम निश्चित हैं कि यहां वर्ब का तीसरा रूप ही लगा हुआ है, क्योंकि ऊपर बता दिया गया है कि हैज या वाज के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड रूप ही आएगा. लेकिन हम निश्चित हैं कि यहां वर्ब का तीसरा रूप ही लगा हुआ है, क्योंकि जैसा कि ऊपर बताया गया है, हैज या वाज के बाद हमेशा भीतरी ही आएगा.